Assalamualaikum and welcome to your favorite show Fusion Food. मैं हूं आपकी शेफ मानूर मलिक और आज हम चाइनीज खाना पकाने वाले। चाइनीज की हमने इतनी सारी रेसिपीज अब तक बना चुके हैं, मैंने सोचा थोड़ा सा और सिखाती हूं, थोड़ा सा और चाइनीज। मेरा दिल ही भरता बिकॉज मुझे जापानीज, चाइनीज, आई लव एशियन फूड। और हम लोगों की जितनी एशियन की किस्में आप निकल आती हैं, चाइनीज़ का ये होता है कि ये थोड़ा सा स्वीट होता है, इसका हमेशा टेस्ट थोड़ा सा सावर होता है, थोड़ा सा इसका बड़ा ज़बरदस्त सा नमकीन सॉल्टी टेस्ट भी आ रहा होता है खाने में। तो शुरू करते हैं। आज मैं बनाने वाली हूँ फ़िश हुनान। फ़िश हुनान चाइना में बड़ी फेमस डिश है और इवन पाकिस्तान में भी अच्छे अच्छे जो बड़े रेस्टोरेंट्स और होटल्स हैं वहाँ पर बनाई जाती है एंड इट्स वेरी कॉस्टली। ठीक है, तो आपको मैं ये आपके घरों में बनाना सिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को इतनी महंगी मछली खाने के लिए बाहर ना जाना पड़े, आप लोग वही चीज़ घर पे बनाएं। साथ में हम बना रहे हैं चाइना के फेमस एग कस्टर्ड टार्ट। चाइनीज़ भी डिज़र्ट्स अच्छे बनाते हैं और उनका ये बड़ा फेमस, और उनके फेस्टिवल्स में एक तो वो लोग बनाते हैं ना मून केक, मून केक भी एक दिन आप लोगों को मैं बना के सिखाऊंगी। आज हम बनाने वाले हैं एग कस्टर्ड टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम अपना बेकिंग वाला काम बेक करने के लिए रख दें, सबसे अच्छा रहता है। अच्छा, मैंने क्या किया, मैंने पफ पेस्ट्री खुद नहीं बनाई। आपको इजीली किसी भी सुपरमार्केट में पफ पेस्ट्री अवेलेबल होगी। हमारे जितने भी यहाँ पे बेकिंग एक्सपर्ट्स हैं सब यही करते हैं कि वो पफ पेस्ट्री लाते हैं फिर उसको रोल आउट करते हैं। और उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि इंस्टेड ऑफ मेकिंग योर ओन पफ पेस्ट्री, बिकॉज वी डोंट हैव दैट मच टाइम, एक घंटे का टाइम होता है, तो इससे अच्छा ये कि तुम खरीद के ले आओ और उसको बेल लो। ठीक है, मैंने यही किया, मैं खरीद के लाई और मैंने बेल लिया। ठीक है, ये देखिए अच्छा सा हुआ हुआ है और इसको अभी थोड़ा सा और हम अगर बेल कर बड़ा करना चाहें ना हम कर लेते हैं, क्योंकि मैंने बेला हुआ था। थोड़ा सा और मैं इसको बेल लेती हूँ ताकि ये हमारे टार्ट के ऊपर मैंने हल्का सा ऑयल लगाया है और दैट्स इट। ठीक है, इसको हम और थोड़ा सा कर लेते हैं क्योंकि ये इसकी वो बनेगी ना, टार्ट बनेगा। तो ये जो हमारी टार्ट बेस है ना वो हमने अच्छी तरह ऑयल से या बटर से आप जो आप करना चाहें आप करके उसको रख दें। ठीक है, ये हो गया। अब इसके ऊपर हम इसको फिट करते हैं अच्छा सा। सही है, ये रखा हमने और लूजन अप। ठीक है, लूजन अप साइड से आप इसको लूज़ कर दें ताकि वो उसके साथ फिट आ जाए। जो बच जाएगा वो हम इसको ना, बल्कि मुझे एक आइडिया है अच्छा सा करके दिखाऊं। एक मिनट, पहले ये करते हैं। ये ताकि इसके ऊपर ना अच्छा सा बैठ जाए, नज़र भी तो आए ना प्यारा सा। हाँ, ये देखो आ रहा है ना, आ रहा है, सबको आ रहा होगा। ये टार्ट हमारी इसके ऊपर हम बिठा देते हैं। ठीक है, ये हमारी इस पर टार्ट बैठ गई है, बैठ गई। अब मैं इसको हमें इसको प्यार से ना किसी चीज़ पे उल्टा करके इसकी साइड्स काट देती हूँ ताकि वो बुरा ना लगे ना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, प्लेट पे निकाल लेते हैं। देखें ऐसे करते बिठा दूँ अच्छी तरह ये ताकि उठे नहीं। अब इसको हम इसकी साइड्स काट देते हैं, बल्कि इसी तरह काट लेंगे। रुके, इसी पर साइड्स काटूंगी, फिर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोगों ने क्या क्या डालना है। एग योक 6 आपने अंडे की जर्दी ले ली, 150 ml आपने लेना है क्रीम, आधा कप आपने लेना है दूध, चीनी आपने लेनी है आधा कप और वनीला एसेंस आप 2 teaspoon। ठीक है, इसको हम बीट करेंगे और उसके बाद दैट्स इट। बस हम लोगों ने इसको बीट करना होगा, इसमें लगाएंगे और 180 centigrade पर हम इसको बेक करने के लिए अच्छा सा रख देंगे। जब तक मैं इसके ऊपर ये लगाती हूँ हम चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, वापस आएंगे तो तब तक ये अच्छे से बेक होने के लिए रख दिया होगा। बस मैंने क्या करना है, बाउल लेना, बल्कि मैं आपको करके दिखा देती हूँ फिर वो ये ना हो ना कि सामने नहीं किया। तो ये हमने लिया, इसमें हमने 6 अंडों की जर्दी डाली। ठीक है, इसके अंदर हम डालेंगे दूध और इसको अच्छी तरह बीट करेंगे, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता चीनी डालेंगे, आहिस्ता आहिस्ता हम वनीला एसेंस डालेंगे और एंड में हम क्रीम डाल के बीट करके इसके अंदर लगाएंगे। ये देखें, अब इसको हमने अच्छा सा काट दिया, ये आप देखें काट दिया, ये इसके अंदर फिट आ गई बेस। अब हम क्या करेंगे, अंडे की जर्दी डाली हमने 6 अदद और दूध डाला। ठीक है, दूध आपने कितना, 1/2 कप लेना है। अब इसको बीट करेंगे,
स्लोली स्लोली इसमें हम चीनी ऐड करेंगे, कास्टर्ड शुगर। वनीला एसेंस, अच्छा ये आप देख सकते हैं इसका किस तरह फॉर्मी सा टेक्सचर होने लगे। अब मैं इसमें क्रीम ऐड करूंगी, बंद करके करते हैं। ठीक है, देखिए फॉर्मी सा इसका टेक्सचर हो गया ना, अब इसमें मैं क्रीम डाल रही हूँ। फिर इसको हम अच्छा सा वेल कम्बाइंड बीट करेंगे कि कस्टर्ड फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, ये है एग टार्ट कस्टर्ड, ये बेक होगा और ये इतना मज़े का बनता है ना, ये आप अपने घर में बनाएं, सबको खिलाएं। देखिए ईजीली आपको बाहर से पफ पेस्ट्री मिल जाएगी, कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं होती पफ पेस्ट्री। आप इतनी मेहनत करके घर पर बनाएं आराम से, और इतनी महंगी भी नहीं होती, बहुत सस्ते में मिल जाती है। और आप उसको करके आराम से घर पर ज़बरदस्त से टार्ट्स बनाएं और सब घर वालों को खिलाएं। ये सारी वो देखें हम चीज़ें जो आपको घर में इजीली मिल भी जाती हैं। चले जी ये हो गए, अब मैं ये सारा इसमें इस तरह से कर दूंगी कि इक्वली आ जाए। वन सेकेंड, हम जरा अपने, अच्छा जी ये ऑफ किया, ये चले बाद में निकालते हैं। मैं कोशिश करती कि अभी शूम करके मार के निकालूं। अच्छा जी अब ये इसमें डाल देते हैं। पैन आपकी मर्जी, आपने कौन सा वाला लेना है। अब ये इतना आपने इसमें करना है कि देखें कि क्योंकि अभी फ्लफ़ी भी होगा ना, ऊपर को भी आएगा, तो वो बाहर ना ओवर ना हो जाए, बस ओवर नहीं करना आपने। ये अच्छे से हमारे बीटन एग्स हैं। बस अब मैं इसको डालूंगी अवन में बेक करने के लिए। रख देते 180 पे रखेंगे, नीचे वाला पहले हम ऑन करेंगे, आखिरी के 5 मिनट हम ऊपर वाली रॉड ऑन करेंगे। दैट्स इट, इसको बस आपने क्या करना है, हल्का सा इस तरह से करना है कि बबल्स इसके बैठ जाएँ। ठीक है, और ये थोड़ा सा बैठ जाए। चले मैं इसको रखती हूँ बेक करने के लिए, हम चलते हैं ब्रेक पर, वापस आते हैं और अपनी फिश हुनान बनानी शुरू करते हैं। वेलकम बैक, हमारा टार्ट तैयार हो रहा है एंड आई कांट वेट टू ट्राई इट। जब तक हम बनाते हैं अपना अच्छे से मज़ेदार सा फ़िश। ठीक है, अब फ़िश के लिए अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इसकी फ़िश की मैरिनेशन करके रखनी है। मैरिनेशन आप 15 मिनट से लेकर तकरीबन 2-4 घंटे आप रख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, फ़िश टूना फ़िश ली है मैंने, क्योंकि हुनान फ़िश पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं होती, तो फ़िश हुनान के नाम से, बट इसकी सॉसेज जो है ना बेसिकली सारा कमाल उसका होता है। सो यू कैन यूज़ एनी फ़िश, आप बोन वाली फ़िश भी यूज़ कर सकते हैं, बोनलेस भी कर सकते हैं। मैंने बोनलेस इसलिए किया है क्योंकि आप वो उसका जो ग्रेवी की फ़ील है ना वो इन्जॉय नहीं कर पाएंगे, बिकॉज़ वी आर नॉट चाइनीज़, हम लोग इतने एक्सपर्ट नहीं हैं, ना हम लोग बंगाली हैं कि हम लोग मछली के जो बोन्स होती हैं वो इतनी तेज़ी से निकाल सकें। ठीक है, तो मैंने फ़िश ख़ुद जाकर अच्छे से साफ़ करवा कर रफाई थी, और साथ में चिकन, हम लोगों ने चिकन का स्टॉक यूज़ कर सकते हैं, या आप अगर फ़िश का स्टॉक बना सकते हैं उसकी हेड और उसकी बोन से, तो आप वो बनाकर ज़रूर रखें, काम आएगा। अब उसको तकरीबन आप 15-20 दिन चला सकते हैं, एक महीना भी चला सकते हैं, फ्रीज़ करके रख दें स्टॉक। ठीक है, ये हमारी फ़िश है, मैं तो करीब से करके आप लोगों को दिखाती हूँ, ज़रा मैट थोड़ी देर क्लियर कर लेते हैं। ये हमारी फ़िश, अच्छा इसके अंदर अब क्या क्या डलेगा, इसके अंदर डलेगा हाँ एप्पल साइडर विनेगर, आप चाहें तो आप नॉर्मल विनेगर भी यूज़ कर सकते हैं, एक शेरी विनेगर होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने एप्पल साइडर विनेगर किया है।
जस्ट फॉर द गुड टेस्ट. अच्छा, इसमें डाल रहे हैं हम सोया सॉस. ये दोनों आधा आधा कप है, ठीक है. ये हमने डाला. फिर साथ में इसमें हम डालेंगे अनियन, ओ सॉरी गार्लिक एंड जिंजर, ठीक है. जिंजर भी डाल देते हैं. एक मिनट, स्पून ले लूँ. अच्छे बच्चों की तरह काम करते हैं. ये सब ये ना इसकी यही सॉस है और यही मैरिनेशन है, ठीक है. ये सारी चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे. इसमें हम डाल रहे हैं ग्रीन अनियंस. उसका पहले हम ये वाला पार्ट डालते हैं. साथ में धनिया भी हमने डाल दिया भाई, और इसके ये वाइट पार्ट भी ग्रीन अनियंस का, ठीक है. ये हमने ऐड किया, दैट्स इट. अब इसको हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह. अच्छी तरह हम इसको मिक्स कर लेते हैं. नो सॉल्ट, बिकॉज सोया सॉस ऑलरेडी सॉल्टी होती है, तो आपको सॉल्ट डालने की ज़रूरत नहीं है. एप्पल साइडर विनेगर डाला है, खटास भी आ जाएगी, ठीक है. अब मैं क्या करूँगी, ये हमारी सॉस है, इसके अंदर हम डिप करेंगे अपनी फिश, और इसको अलग से हम मैरिनेट करके थोड़ी देर के लिए रख देंगे, फिर ताकि हम अपनी बाकी की दूसरी सॉस तैयार करें, ठीक है. अब ये देखिए कितना अच्छा पीस है, ये आप देख रहे हैं. आप इसको चाहें तो आप इसको मज़ीद फ्लैट कर सकते हैं. चलिए तो डायरेक्ट ही कर लेते हैं. हमारा एरिया वैसे क्लीन होता है, सो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. आई होप हमारी जो वो है ना नाइफ, ठीक है, ये हमने थोड़ा सा इसको और फ्लैट कर दिया अपनी फिश को. फिश वैसे ही बहुत जल्दी और आसानी से कट जाती है, तो कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती है, ठीक है. इसको हमने थोड़ा सा और वैसे मैंने यूज़ कर लिया है. चलें ये देखें हमने की कि हम इसमें रखते हैं. इसको भी हम थोड़ा सा और कर लेते हैं. बाकी की जो फिश है ना ये हम रख देंगे, क्योंकि अभी हम लोगों को काम में नहीं आ रही ना जी. चलो ये भी हम रखते हैं, सॉरी डायरेक्ट करने के लिए, बिकॉज टाइम इज़ लेस और हम लोगों ने जल्दी जल्दी करना होता है, अच्छे से करना होता है. जल्दी से नहीं, जल्दी का मैटर नहीं होता, अच्छा सा करना इज़ ज़्यादा ज़रूरी, ठीक है. इसको भी हम थोड़ा सा पतला कर लेते हैं, इस फिश को भी. हाथ देख कर प्लीज़, अपने हाथ बचा कर आप लोगों ने फिश को. टूना है, टूना इज़ माई फेवरेट फिश ऑफ ऑल द फिशेज, ठीक है. ये देखें ये हमने इसको मैरिनेट कर दिया, लगा दिया इसके ऊपर. ये अब हम थोड़ा सा झाड़ के इसमें रखते हैं. इसी तरह इसको भी हम करेंगे इस तरह से करके. अब इसको हम थोड़ी देर के लिए इधर आपके सामने ही रखेंगे, क्योंकि मौसम ऑलरेडी बड़ा मज़ेदार सा है, तो हम लोगों को इतना वो करने की ज़रूरत नहीं है. चले जी, ये हमने रख दिया. अब मैं बनाती हूँ इसकी सॉस. हाथ हाथ धो लिया करें प्लीज़, सफाई का ख्याल रखा करें. आप लोगों की पहचान ही इसी से होती है, कि सिर्फ शेफ़ होने का मतलब ये नहीं है कि आप खाना पकाना जानते हैं. मीज़न प्लास क्या होता है, सफाई सुथराई, साथ साथ आप अपना एरिया क्लीन रख रहे हैं, सफाई रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अच्छा, फ़िश की मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, फिश जब आप काट रहे होते हैं ना, तो उसके लिए एक तो आप लोग क्या किया करें, अपनी फ़िश को ना पैड ड्राई किया करें, किसके साथ, टॉवल के साथ. और दूसरा ये होता है जो आपकी छुरी होती है ना, छुरी, अभी तो मैंने ये यूज़ कर ली नॉर्मल यूज़, मुझे जल्दी जल्दी करना था. अदरवाइज़ एक टॉवल रखा करें गीला और अपनी छुरी. आपने क्या करना होता है, बार बार साफ़ करना होता है, देन इसको कट करना होता है. और नाइफ़ आपकी तेज़ होनी चाहिए. ये थोड़े थोड़े ट्रिक्स आप लोगों को मैं बता रही हूँ, जो मैं अपने होटल में सीखती हूँ, ताकि आप लोगों को भी आए, ठीक है. अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, ऑयल लेंगे और अच्छा इसमें ना मैं डाल रही हूँ ऑयल बहुत सारा, क्योंकि अभी हम करेंगे फ्राइंग. इसमें हम फ्राइंग करेंगे, जितनी देर में हमारी वो फ़िश मैरिनेट हो रही ना, ये हमारा फ्राइंग ऑयल हो गया, ठीक है. बस ये जो थोड़ा सा तेल है ना, इसमें हम बनाएंगे ज़बरदस्ती सॉस, ठीक है. ये हमने यूज़ किया फ्राइंग पैन, इसमें हम बनाएंगे सॉस. ये बस ठीक है, यही वाला इसमें डालेंगे, हल्का सा फ्राई करेंगे. फिर इसमें हम कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे, और इसके अंदर हम लोग क्रश चिलीज, ब्राउन शुगर अच्छी तरह मिक्स करके, फिर ब्रॉथ डालकर उसको हम लोग गाढ़ा होने के लिए रख देंगे. टार्ट भी इतने मज़े का तैयार हो रहा है ना, मज़ा आ रहा है देखकर. इसको मैं ऊपर वाला भी ऑन कर लेती हूँ, 10 मिनट रह गए ना. ये ऑयल हमारा जब तक गर्म हो रहा है, इसको हम रेडी करते हैं. इसको हम वापस इस साइड पर रख लेते हैं, थोड़ा सा एरिया अपना क्लीन कर लेते हैं. अच्छा, मैंने क्या किया है कि जर्दी उधर यूज़ होगी तो एग वाइट्स मैं इधर यूज़ कर रही हूँ. इंस्टेड ऑफ यूजिंग न्यू एग्स, हम नए एग निकालें वो करें आप, उससे अच्छा ये है कि आप जो है ना अपने ये वाले करें. अच्छा, आप में से किस किसने मैगजीन खरीदी है,
मैगजीन पढ़ी है, मेरा इंटरव्यू पढ़ा आप लोगों ने, मुझे ये भी जानना है, ये भी बताएं मुझे ज़रा आप लोग। अच्छा जी, अब यही मिक्सचर हम इसके अंदर डालेंगे इस ऑयल में, देख कर प्लीज हल्की आंच कर लेती हूँ थोड़ा सा ताकि बचत हो जाए। ठीक है, ये थोड़ा सा हम करेंगे फ्राई, हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं। ठीक है, ऑयल भी हमारा तकरीबन गर्म है, इसको भी हम हल्की आंच कर देते हैं। अब मैं क्या करूँगी, चेक करूँगी कि हमारा टार्ट कहाँ तक पहुँचे। टार्ट बड़ा ब्यूटीफुली बेक हो रहा है, बहुत ब्यूटीफुली बेक हो रहा है। थोड़ा सा करेंगे कि कड़वाहट जो है ना प्याज की वो ख़त्म हो जाए। जैसे ही कड़वाहट इसकी प्याज की ख़त्म हो जाएगी ना, मैं इसमें क्या करूँगी, कॉर्नफ्लोर ऐड करूँगी। कॉर्नफ्लोर में थोड़ा सा हम स्टॉक मिला देते हैं और इसको पतला कर देते हैं, डायरेक्ट ना डाला करें वरना गिल्ट्स बन जाती हैं। इसमें डालते हैं, चले चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, वापस आते हैं। हमारी जरा थोड़ी देर फिश मैरिनेट हो जाए ना, वो ज़रूरी है, फिर हम आके इसको फ्राई करते हैं और फिर सॉस भी ऊपर डालते हैं ज़बरदस्ती। वेलकम। अच्छा, मेरा टार्ट ऑलमोस्ट रेडी है, वो अंदर आप देखें कैसे बबल बबल बन रहा है। वो ना मैंने ऊपर वाला ऑन कर दिया तो वो वाली साइड जल्दी ब्राउन हो गई है, पर हमने ब्राउन ही करना है ऊपर से, ये वाला साइड नहीं हुआ, बट बहुत प्यारा बन रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा चले शुरू करते हैं ये वाला काम हमारा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ़िश को डालेंगे फ्लावर में। ठीक है, फ्लावर में किया, और एक हाथ हमेशा आप अपना लिक्विड के लिए रखा करें और एक हाथ हमेशा अपना ड्राई इन्ग्रीडियंट्स के लिए रखा करें। ठीक है, इसके बाद इसको हम झाड़ लेंगे हल्का सा। इसी तरह दूसरे वाले को भी कर लेते हैं, कवर किया अच्छे से, ऑयल हम तेज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं यही इसके अंदर डाल रही हूँ, ये जो अंडे की जर्दी थी ना, सफ़ेदी इसी में हम डाल देते हैं और इसको हल्का सा बीट कर देते हैं। वो मैंने बंद कर दिया, हमारे अनियंस जो है ना अच्छे से पक के रेडी हो गए। ये हो गया बीट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये देखें आप, ये हमने इसमें किया है ना कवर, अब हम इसको वापस इसमें डालेंगे और दूसरी तरफ से घुमा देते हैं और इसको अब हम इसमें डालेंगे। ठीक है, इसी तरह इसको भी अब हम इसमें डाल देते हैं दोनों तरफ से। ठीक है, दैट्स इट। अब मैं क्या करूँगी, इसको अच्छे से कवर करूँगी ब्रेड क्रम्ब से और फिर इसकी फ्राइंग होगी। ये हम ड्राई हैंड से इसके ऊपर अच्छी तरह ब्रेड क्रम्ब लगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं लगाने, इतने लगाने कि वो हल्का हल्का कोट हो जाए, आपको फ़िश नज़र आनी चाहिए अंदर से, बहुत हैवी भी नहीं करना आपने। ठीक है, अब इसको हम फ्राई कर लेते हैं फ़िश को, बिस्मिल्लाह। एक फ़िश डालते हैं। अच्छा, हमेशा करीब से फेंका करें तो आप चीटा नहीं आएगा और जलेंगे नहीं आप। ठीक है, अब दोबारा से हम निकालेंगे और फ़िश जल्दी पकती है हमेशा, तो आपको वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसको मैं कर लेती हूँ, निकाल लेती हूँ अपने हाथ से, और मेरा वो भी रेडी है, टार्ट बड़ा ज़बरदस्त सा रेडी हो चुका है। उसको भी अभी हम निकालते हैं। ठीक है, इसको दूसरी तरफ से करते हैं। ऑयल हमारा इतना अच्छे से गर्म है ना, ये देखें प्यारा सा कलर आ रहा है इसके ऊपर। ठीक है, हल्का सा आपने कवर करना है, बहुत ज़्यादा नहीं। और इसको भी हम फ्राई करने के लिए डाल देते हैं, इसके साथ ही रखते हैं। ठीक है, आपने देखा मैंने कितने प्यार से डाला है, बिल्कुल प्यार से डालना है आपने, ज़बरदस्ती नहीं किया करें किसी चीज़ के साथ भी। अच्छा जी, अब हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर हम ऐड करेंगे क्रश चिलीज़, थोड़ा सा स्टॉक डालूँगी, थोड़ा सा बिल्कुल,
और मिक्स, और इसमें मैं अब डाल रही हूँ ब्राउन शुगर, ये तकरीबन आधा कप ब्राउन शुगर, ठीक है। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेते हैं, मीठी मीठी सी सॉस बनेगी ज़बरदस्त सी, खट्टी मीठी मिक्स। मैं चाह रही दोनों चीज़ें ना साइड बाय साइड तैयार हो जाएं, फिर एंड में हम टार्ट निकालेंगे जी। इसको भी हम पलट देते हैं, टूना है ना, टूना इतनी पकाने की ज़रूरत नहीं होती, टूना जल्दी पक जाती है। नहीं, इसका कलर आ गया, इसको हम निकाल लेते हैं। ये देखें, चाहे तो पैट ड्राई कर ले, चाहे तो नहीं करे, नो हार्ड एंड फास्ट रूल, जिस तरह से हमेशा से बोलती हूँ मैं आपको। इसको अभी हम अपनी सर्विंग प्लेट में रख लें, ठीक है। अभी हमारी दूसरी भी हो जाए, फिश जल्दी पकती है तो आपने वो वाली टेंशन नहीं लेनी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ स्टॉक, फिश स्टॉक, चिकन स्टॉक, विच एवर यू लाइक, ये हमने इसमें ऐड कर दिया। थोड़ा सा बॉयल आएगा जैसे ही, हम इसमें कॉर्नफ्लोर मिक्स डालने लग जाएंगे जी। टार्ट की तरफ चलते हैं, टार्ट हम निकालते हैं। अब बड़ा प्यारा सा कैरमल कलर आया, क्योंकि इसमें चीनी है तो उसका कैरमल कलर आया, ठीक है। लेट्स डू इट, टार्ट भी निकाल लें हम। हाँ, वो देखो ना कैरमल, ओ प्यारा कलर आया, ये ऊपर से हार्ड हो जाएगा क्योंकि सारी चीनी है, आपको फील हो रही, नज़र आ रही होगी। और बड़ा प्यारा सा टार्ट हमारा रेडी हुआ है, इसको भी हम सर्विंग डिश में निकाल लेते हैं और निकाल कर आपको दिखाते हैं। हमारी सर्विंग डिश इसकी कहाँ गई, चलो वाइट डिश में निकाल लेते हैं, इट्स ओके। ये अभी फ़िलहाल इसके नीचे रख रही हूँ मैं, ताकि कोई चीज़ भी जले नहीं ना। ये आप देख रहे हैं कैरमल कलर आया है, यहाँ से भी हमें कैरमल कलर थोड़ा देना चाहिए था, ये वाला परफेक्ट कलर है, ये थोड़ा सा लाइट है, इसको भी हम करते हैं। आप इसको और भी पका सकते हैं जितना दिल करे, मैंने 20 मिनट्स रखा है, आप चाहें तो और पका लें, इस अपने हिसाब से करने। देखिए मेरी फ़िश भी रेडी है, ये देखिए बॉयल होने लग गया। अब मैं इसके अंदर डालूंगी कॉर्नफ्लावर, पहले ज़रा फ़िश पका लूँ फिर डालते हैं, ठीक है। फिश निकाली, ये देखिए प्यारा सा कलर आ गया, और खूबसूरत सी फिश हमारी। अब सॉस रह गई, थोड़ी सी एरिया हम क्लीन कर ले। अच्छा जी, टार्ट को भी अभी हम निकालेंगे। अब इसमें मैं स्लोली स्लोली ये डालूंगी ताकि ये थोड़ा सा थिक हो जाए, ये देखें। अभी जब बबल बबल करने लगेगा ना, थिक थिक सा हो जाएगा, फिर हम अपनी फिश के ऊपर डालेंगे, ठीक है। ये देखिए बबल्स बनने लग गई हैं, यमी सी फिश हुनान। इसको कर ले जब तक, इसको निकालते हैं। इसको फिलहाल हम अभी रैक पे रखते हैं, क्योंकि गरम गरम है ना, हो ठंडा भी होने लग गया। कूल, वेयर आर द ग्लव्स, ये रहे, दूसरा ग्लव किधर है, हो रहा। ये देखिए कैरमल कलर देना, ये वाला नहीं देना, कैरमल कलर देना है आपने। चले चलते हैं ब्रेक पे, जब तक हमारी सॉस थोड़ी सी और पक जाए, फिर गरम गरम सॉस डालेंगे। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त है हमारा, वन सेकेंड, ये आप देख रहे हैं हमारा टार्ट रेडी है। इसका नीचे वाला भी हम निकाल लेते हैं और इसको हम इस पे रखते हैं, थोड़ा सा ठंडा हो जाए, फिर प्यारी सी डिश में सर्व कर, जब वापस आएंगे ना ये सर्व हुआ होगा। वेलकम बैक, मैं अपने ज़रा टार्ट को डेकोरेट कर रही थी, मैं देख रही थी मैं क्या क्या चीज़ें लगा के ना इसको अच्छा सा सजा सकती हूँ, प्यारा कर सकती हूँ। अच्छा जी, हमारी सॉस भी रेडी है, अब इस क्या आपने सिर्फ क्या करना है, ये देखें, ठीक है जी। आपने इसमें डाली सॉस, आप इसकी साइड में सॉस होती है, और साथ में आप इसको फोक के साथ इंजॉय करें, साथ में आप नूडल्स बना सकते हैं, साथ में आप राइस बना सकते हैं, आपको जो दिल करता है आप बनाएं और ना इसको इंजॉय करें। देखें हल्की सी हमने इस पर डाली है,
इसकी प्लेटिंग व्लेटिंग की भी ज़रूरत नहीं, बिकॉज यही इसकी प्लेटिंग है। चलें जी, हमारे पास एक कॉलर हैं फ्रॉम कराची, रिफा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है मानूर? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। आज की वैसे भी मुझे बहुत अच्छी लग रही है आपकी। थैंक यू, आई रियली लाइक कार्ड। थैंक यू सो मच। आप ट्राई भी करिएगा, बहुत अच्छी बना है चाट जो है ना हमारा, और टेस्टी भी बड़ा बना है। ज़रूर ट्राई करके मुझे आपने बताना है। कोई फरमाइश है आपकी तो बता सकती हैं आप। ब्लूबेरी चीज़ केक बनाएगा प्लीज़। ज़रूर ज़रूर, मैं आपको ज़रूर बना के सिखाऊंगी। और अपना बहुत सारा आप ख्याल रखिएगा। मुझे अच्छा लगता है जब कॉलर्स मुझे स्पेशली कॉल करते हैं बताने के लिए कि उनको मेरा खाना अच्छा लग रहा है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आप क्या बना लेती हैं? अच्छा, मैं कम ही बनाती हूँ। कम बनाती हैं? अच्छा, तो केक आप खुद बनाएंगी फिर? ज़रा ये तो बताएं। सॉरी? केक आप खुद बनाएंगी? केक कौन बनाएगा? केक मैं बनाऊंगी। अच्छा, आप खुद बनाएंगी। चलिए, आपने जरूर शेयर भी करना है बना करके आपको कैसा लगा। आपको मैं अच्छा सा केक बनाना सिखाऊंगी। थैंक यू फॉर कॉलिंग। जरूर, थैंक यू फॉर कॉलिंग रिफा। ये थी हमारी जबरदस्ती कॉलर। अच्छा जी, अब हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, हम थोड़ी गपशप लगा लेते हैं, बातें कर लेते हैं, कुछ काम की बात कर लेते हैं, और खाने से रिलेटेड कुछ बता देती हूँ आप लोगों को। थोड़ा सा मैं बताऊँ आज की रेसिपीज़ के बारे में। चाइनीज़ रेसिपीज़ थी। जो फिश नान है ना, वो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। आप चाहें तो आप इसको क्रम्बिंग नहीं करें, नॉर्मली भी इसको फ्राई करके कर खा सकते हैं। साथ में यही वाली सॉस आपने ट्राई करनी है। आप इसमें चाहें तो ग्रीन अनियंस के एक पार्ट यूज़ करें, एक नहीं करें, आपको जिस तरह से बेटर लगता है ना आप उस तरह से करें और अपने खाने को इंजॉय करें। अच्छा, इसमें मैंने क्या क्या किया था। हमने ली थी टूना फिश। टूना फिश को हमने किया मैरिनेट। मैरिनेट आपने क्या किस किस से करना है? ग्रीन पेपर, सोया सॉस, विनेगर, ठीक है, ये डालकर आपने इसमें अदरक लहसुन डालना है और उसको मैरिनेट करके आपने 40 मिनट के लिए रख देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम, सॉस की प्रिपरेशन करेंगे। जो चीज़ें बच जाएंगी उनको हम डालेंगे स्टोव पे, फ्राइंग पैन में थोड़ा सा पकाएंगे। फिर उसके अंदर हम डालेंगे चिकन स्टॉक, साथ में हम डालेंगे ब्राउन शुगर। जब वो अच्छी तरह मेल्ट हो जाएगा, सब कुछ इकट्ठा मिक्स हो जाएगा, फिर हम उसमें कॉर्नफ्लोर को थोड़ा सा वो करके ना थिन करके लिक्विड फॉर्म में लाकर आपने वो डालते जाना है, उसको पकाते जाना है और उसको थिकनेस देनी है कि वो बबल करने लग जाए। फिर आप अपनी फ़िश के ऊपर डालेंगे, फ़िश फ्राई करके अच्छे से, और आप इंजॉय करेंगे। टार्ट भी इसी तरह ही था। टार्ट की आप डेकोरेशन कर सकते हैं, आप इसके ऊपर बेरीज डाल सकते हैं, आप इसके ऊपर कुछ दिल करे वो आप डाल सकते हैं। मैंने फ़िलहाल क्योंकि मैं नहीं लेकर आई थी जो कि मुझे लाना चाहिए था, बट नेक्स्ट टाइम ये गलती नहीं होगी। हमें क्योंकि हमेशा से मेरा यही होता है कि मैं आप लोगों को कॉन्ट्रास्ट और प्लेटिंग अच्छी सिखाऊं। चाइनीज़ था, चाइनीज़ में आज मैंने कुछ ऐसे प्लेटिंग इसलिए नहीं की बिकॉज टार्ट की ब्यूटी ही टार्ट है, ठीक है। फ़िश का ये था कि इसकी हम लोगों ने अच्छी सी लाल चाइनीज़, थोड़ा सा लाल और काला इस तरह के कलर्स प्रेफर करते हैं, तो आपने उस तरह की उनकी प्लेटिंग रखनी होती है। बाकी मैं कहना ये चाहूँगी कि चलते एक छोटे से रिकैप ब्रेक की तरफ, वापस आते हैं, थोड़ी सी और अच्छी सी गपशप करते हैं और फिर शो का एंड करते हैं। एक कस्टर्ड टार्ट अज्जा, अंडे की जर्दी 6 अदद, कास्टर शुगर 100 ग्राम, प्योर क्रीम 150 मिलीलीटर, दूध आधा कप, वनीला एक्सट्रैक्ट 2 चाय के चमचे, फ्रोजन पफ पेस्ट्री 2 शीट्स। तरकीब, अवन को 180 सेंटीग्रेड पर गरम करके मफन पैन ग्रीस करें। अंडे की जर्दी, कास्टर शुगर, क्रीम, वनीला एसेंस और दूध को मिक्स कर लें। पेस्ट्री शीट्स को काट कर आधा करें और एक के ऊपर एक रख कर रोल कर लें। अब इन्हें 6 टुकड़ों में काट लें, फिर इन्हें मैदे के साथ कोट करके 10 सेंटीमीटर का सर्कल बना लें। अब पेस्ट्री सर्कल को ग्रीस किए हुए मफन पैन में रखें। पेस्ट्री शीट को कस्टर्ड से फिल करके 18 से 20 मिनट बेक करें कि इनके किनारे और टॉप गोल्डन हो जाएं। फिर इन्हें अवन से निकालकर ठंडा कर लें। फिश नान अज्जा, फिश फिले बोनलेस 1.5 पाउंड, सोया सॉस 4 खाने के चमचे, एप्पल साइडर विनेगर 3 खाने के चमचे, कुटी अदरक 1 खाने का चमचा, कुटा लहसुन 1 खाने का चमचा, हरी प्याज 2 खाने के चमचे, अंडे 2 अदद, ब्रेड क्रम्स हस्बे जरूरत, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, चिकन ब्रॉथ 1 कप, ब्राउन शुगर 3 खाने के चमचे, कॉर्न स्टार्च 1 खाने का चमचा। तरकीब, सोया सॉस, सिरका, कुटी अदरक, कुटा लहसुन और हरी प्याज का मैरिनेट बना लें। फिश फिले 2 इंच के टुकड़ों में काट कर 30 से 40 मिनट मैरिनेट कर लें, फिर इन्हें निकाल कर मैरिनेट साइड पर रख दें। मछली को फेंटे अंडे और ब्रेड क्रम्स में डिप करके फ्राई कर लें। सॉस बनाने के लिए बाकी मैरिनेट में कुटी लाल मिर्चें, चिकन ब्रॉथ और ब्राउन शुगर मिलाकर उबाल लें। फिर पानी मिलाकर कॉर्न स्टार्च मिक्स करके एक बार फिर उबालें। गरम सॉस मछली पर डालकर नूडल्स या चावल के साथ सर्व करें। वेलकम बैक। अच्छा जी, आज हमारी डिशेस बहुत जल्दी रेडी हो गई, तो मैंने ये सोचा कि थोड़ी सी गपशप ही लगा लेते हैं। 5 मिनट हैं हमारे पास, 5 मिनट में हम बातें शातें कर लेते हैं थोड़ा सा।
मैं आपको बताती चलूँ, थोड़ा सा अपने बारे में बता देती हूँ कि मैं प्रोफेशनल शेफ़ हूँ और प्रोफेशनली मैंने मतलब लाइक सब सीखा है. चाइनीज़ एक्सपर्ट हूँ, जापानीज़ एक्सपर्ट हूँ, ये सारी चीज़ें मेरे जितने भी सीनियर शेफ्स थे उनसे मैंने सब कुछ सीखा है. बहुत प्यार से और बहुत अच्छे से उन्होंने सिखाया. मुश्किल वक्त आते हैं, कोई भी काम आसान नहीं है. इवन मैं आप लोगों के सामने प्लेटिंग भी इसलिए कर रही होती हूँ कि आप लोगों को कॉन्ट्रास्ट समझ में आए कि अगर लाल प्लेट है तो उसके ऊपर खाने की डिश कौन सी होनी चाहिए, अगर सपोज़ डार्क कलर का खाना है तो उसके साथ क्या कॉम्बिनेशन जाएगा, उसकी प्लेटिंग में क्या कॉम्बिनेशन जाएगी. सो ये सारी चीज़ें बड़ा मैटर करती हैं. चले इसी बातों के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अपनी शेफ को इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.